अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो आप सबको पता है, आपने एट क्लास में किए थे। अच्छा, ऐसे एक्सप्रेशंस या कॉम्बिनेशंस जिसमें कॉन्स्टेंट्स मींस जो आपके नंबर्स हैं, वेरिएबल्स होते हैं, और वो वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट मैथ्स के फोर बेसिक जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन चारों से कनेक्टेड होते हैं, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5y² प्लस 2xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, है ना। ये आपने एट क्लास में पढ़ा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स एंड मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अनदर एग्जाम्पल इज 5x⁻³ प्लस 3√x + 1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर एक्स वेरिएबल है, वन वेरिएबल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलीनोमियल में जो डिफरेंस होता है वो यही होता है कि पॉलीनोमियल्स में हमेशा वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी वो होल नंबर्स होती हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। सपोज लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, यहीं पर देखो, वी हैव टू एक्सप्रेशंस, एक ये है एंड अनदर वन इज दिस वन। ये दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा है, तो आपको डेफिनेशन अभी मैंने बताई है कि पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होती हैं, वेरिएबल्स की पावर, नंबर्स की नहीं, वेरिएबल्स की पावर। तो इसमें से मैं अगर इनको मार्क करूं, दिस वन इज फर्स्ट, ये फर्स्ट वन है और ये सेकंड वन है, तो बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा। अगेन रीड केयरफुली, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर्स। सिर्फ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें नॉन नेगेटिव पावर्स होंगी, मींस नेगेटिव पावर्स नहीं होंगी, नॉन नेगेटिव का मीनिंग है सब पॉजिटिव होगा, सिर्फ वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें नॉन नेगेटिव पावर्स हैं, टेल मी, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में, जिसमें सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, नॉन नेगेटिव का मीनिंग पॉजिटिव पावर्स। तो कौन सा है ऐसा जिसमें सारी पावर्स पॉजिटिव हैं, फर्स्ट वन, यस। सो फर्स्ट वन इज अ पॉलिनोमियल, सेकेंड वन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर नॉन नेगेटिव पावर नहीं है, एक्स की पावर -3 भी है, और यहाँ पर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा रूट एक्स का मीनिंग क्या होगा, मैंने बताया था रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2, तो ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है ना, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, तो इस वजह से भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक तो -3 है इसकी पावर और एक रूट एक्स है, सो दोनों ही वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पर सारी पावर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ तीन चीजें देखनी है। पहला तो आपको देखना है कि वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, सभी पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा, वेरिएबल कभी भी डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर में अगर है, सपोज ये लिखा है 1x + 1/x,
तो एक्स डेनोमिनेटर में है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा, वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं वेरिएबल्स के लिए बोल रहा हूं, नंबर्स के लिए नहीं। नंबर रूट में होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट वेरिएबल रूट में है तो उससे फर्क पड़ता है। वेरिएबल अगर रूट में है जैसे कि यहाँ पर था, तो वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। सपोज ये लिखा है रूट टू रूट एक्स, और पूछेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स रूट के अंदर है। फाइन, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और अनदर थिंग, बस यही ध्यान रखना है कि वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर होनी चाहिए, मींस जीरो भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। वेरिएबल्स की पावर हमेशा होल नंबर होंगी और कुछ भी नहीं होगी। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना कि उसमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। फर्स्ट वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स की पावर माइनस टू, क्या ये पॉलिनोमियल है? सभी आंसर दोगे, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? ओके मुकुंद, संस्कृति, तन्वी, ओके जस्ट टेल मी कि आपने जो शेयर्स, ठीक है, जस्ट सौम्या ने बोला यस, और मुकुंद, संस्कृति, तन्वी, शेयर्स ने बोला नो। आप मुझे बस ये बताइए कि, पहले चलो नो वालों से पूछता हूँ कि नो क्यों है, ये क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? Why will you not consider it a polynomial? Let me see if I can unmute you all. Then, ओके बट तन्वी, व्हाट डिड आई से कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए? तन्वी, श्रेयस, संस्कृति, आप सभी, मुकुंद, आप सबने सोचा शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि सिक्स की पावर माइनस टू है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वेरिएबल की पावर्स को देखोगे। यहाँ पर वेरिएबल संस्कृति, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल्स की पावर तो पॉजिटिव है। नंबर की पावर क्या होगी उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ वेरिएबल्स की पावर देखनी है कि क्या वो पॉजिटिव है, एक होल नंबर है या नहीं है। यहाँ पर x की पावर देखो कितनी है, 2 है। यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो दोनों ही क्या है, होल नंबर है। और दोनों ही अगर होल नंबर है तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल। नंबर जो डिजिट्स हैं, कांस्टेंट हैं, उनकी पावर्स को आपको नहीं देखना है। गॉट इट? पहले मुझे बताओ, जिस जिसने नो लिखा था, क्या ये समझ आ गया कि आपको क्या चेक करना है? आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, नंबर्स की नहीं, कांस्टेंट्स की नहीं। गुड, तो अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मुकुंद, समझ आ गया कि ये क्यों नहीं है पॉलिनोमियल?
गुड, चलो अनदर एग्जाम्पल. फाइव एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स. बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? सेकेंड वन इज, ये वाला तो यस था. केयरफुली देखना है. अगेन, अगर राइटिंग में कुछ आपको लग रहा है कि सर आपकी राइटिंग साफ नहीं है, तो यू कैन टेल मी, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या लिखा है. 5x² माइनस रूट फाइव, रूट सिर्फ फाइव के ऊपर है, एक्स के ऊपर नहीं, प्लस 6x. ओके श्रेयस, तन्वी ने यस बोला है, श्रेयस ने यस बोला है, संस्कृति ने नो बोला है, मुकुंद ने नो बोला है. ठीक है, संस्कृति लुक केयरफुली, एक्स के ऊपर रूट नहीं है, द रूट इज ऑन द अबव फाइव, मीन्स यहां पर फाइव की पावर 1/2 है, बट एक्स के ऊपर तो रूट नहीं है, डेट मीन्स एक्स की पावर क्या है, 1 है. ठीक है, एक्स तो रूट के अंदर नहीं है, सो एक्स की पावर 1 है, यहां पर एक्स की पावर 2 है और यहां पर एक्स की पावर 1 है, तो तीनों ही क्या है, ये होल नंबर्स हैं, और तीनों ही होल नंबर्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये भी एक पॉलिनोमियल है. अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बोलो, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो लिख दो क्लियर, अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क मी. ओनली वेरिएबल की पावर देखनी है आपको, नॉट डिजिट्स की और नंबर्स की. ठीक है, जिस जिसने ने बोला था उनको क्लियर है. हाँ, ऑब्वियसली रूट फाइव एक्स से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन में, है ना, और इसका मीनिंग ये होगा कि रूट फाइव तो रूट फाइव ही है, लेकिन एक्स एक्स ही है, मीन्स एक्स की पावर तो 1 ही है. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स रूट के अंदर थोड़ी जाएगा, याद है जब हम 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो उसको 2√3 लिखते थे, तो 2 तो बाहर ही रहता था ना, वो रूट के अंदर नहीं जाता, और अगर वो रूट से बाहर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पावर कितनी है, 1 है. यस, चलो एक और एग्जांपल देता हूं. x² प्लस क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं पहले लिख देता हूं, वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस x³, ये मल्टीप्लाई हो रहा है. तो बताओ इसको जब आप देखोगे तो आप इसको पॉलिनोमियल कंसीडर करोगे या नहीं? इज इट अ पॉलिनोमियल, यस और नो? केयरफुली देखो, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, एंड आई एम आस्किंग वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट. Why not Tanvi? Reason भी देते जाओ. Because x denominator में है. Okay Sanskriti. Okay Shreyas. Okay Tanvi. अच्छा चलो एक चीज बताओ, जिस जिसने no बोला है. Suppose करो मैंने ये लिखा 1/2 multiplied by 3+1, और मैंने पूछा कि क्या ये एक इंटीजर है, तो आप कैसे पता लगाओगे?
आप पहले इसको सॉल्व करोगे या ऐसे ही कह दोगे नहीं ये तो देखने में इंटीजर नहीं लग रहा तो ये इंटीजर नहीं होगा। आप बॉड मास का यूज करोगे पहले एंड इसको सॉल्व करोगे करेक्ट, उसके बाद में आप अपना वर्डिक्ट दोगे वेदर इट्स अ इंटीजर और नॉट। पहले आप सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई जब हम देखने में तो ये लग रहा है कि इंटीजर नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है, लेकिन लेट्स सॉल्व दिस वन, वी गेट 3 + 1 = 4 एंड कैंसिल करके आंसर आया 2 विच इज एन इंटीजर। तो देखने में लग रहा था कि इंटीजर नहीं है बट आंसर क्या आया इंटीजर है। तो इसी तरह से इसको भी आप पहले क्या करोगे सिंप्लीफाई, ब्रैकेट के बाहर 1/x है तो पहले 1/x की मल्टीप्लाई x² से होगी, फिर 1/x की मल्टीप्लाई x³ से होगी, तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा x². अब बताइए ये सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। x + x² पॉलिनोमियल क्यों नहीं है श्रेयस बताओ। यस सौम्य, यस मुकुंद, यस तन्वी, यस संस्कृति, श्रेयस आप बताओ क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल। दोनों की तो पावर होल नंबर है, यहां पर x की पावर 1 है यहां पर x की पावर 2 है तो पॉलिनोमियल तो होगा ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देने का सिर्फ यही मेरा एक एम था कि आपको सिंप्लीफाई भी करना है, पहले सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद में आप अपना वर्डिक्ट दोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्लियर हो गया कि आप कैसे वेरीफाई करोगे या चेक करोगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलो अब पॉलिनोमियल्स के दो टाइप्स होते हैं जो आपके कोर्स में है, एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल और एक टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल वो होगा जिसमें ओनली वन वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसे ये था इसमें ओनली वन वेरिएबल था, ये पॉलिनोमियल नहीं था हालांकि, बट एक्सप्रेशन है तो वन वेरिएबल का। इस तरह से जो होंगे वो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल, सपोज 3x1 और समथिंग। अभी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, और अ पॉलिनोमियल विद ओनली वन वेरिएबल इन्वॉल्व जैसे कि 3x^4 5x² + 3x - 1 ये वन वेरिएबल का है, और टू वेरिएबल के पॉलिनोमियल वो होंगे जिसमें टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3x^4 y^3 5x² + 3x² - 1 तो यहाँ पर दो वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो क्या क्या है x एंड y। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम टू वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज का, और उसमें आपको बताना है कुछ तो उसमें ये काम आएगा। ये क्लियर है सभी को कि वन वेरिएबल क्या होता है टू वेरिएबल क्या होता है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो नो लिख दो, अगर क्लियर है तो यस लिख सकते हो। चलो ठीक है, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज देखो आप अपने, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following are polynomials in one variable and which are not? State reason. आपको बताना है कि जो expressions given है उनमें से कौन से polynomial है कौन से polynomial नहीं है और उनका फिर reason भी बताना है।
जब हम रीजन बताते हैं तो जो पॉलिनोमियल होते हैं उनका रीजन आप दो वो जरूरी नहीं है, लेकिन जो पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल के उनका रीजन आपको देना जरूरी होगा। जब क्वेश्चन आएगा तो उसका रीजन देना जरूरी होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x² - 3x+7, क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? आप ये सब बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके ठीक है, सभी का आंसर यस है। तो अगर इन केस आपके टीचर बोलते हैं रीजन बताओ तो आप क्या बोलोगे? सिंस ऑल पावर्स ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर्स, है ना, जो पावर्स हैं वेरिएबल की वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड वन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये नोट भी करते रहना है आपको, ऐसा मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास है तो हमें नोट नहीं करना पड़ेगा एंड ऑल। आपको ये सारा रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। आई विल चेक योर रजिस्टर कि आपने ठीक से लिखा, ठीक से किए क्वेश्चंस या नहीं किए, जो स्किप्ड क्वेश्चन है वो आपने किए या नहीं किए। सेकेंड वन इज y² + √2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? केयरफुली प्लीज आंसर ध्यान से देना, लिखने से पहले सोच लेना, समझ लेना, केयरफुली देख लेना उसके बाद। ओके सौम्या, पीछे से आंसर नहीं देखना किसी को भी, ये भी ध्यान रखना। आई एम श्योर आप लोग ऑनेस्ट हो, स्टिल इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। ओके यस, संस्कृति ने यस बोला, तन्वी ने यस बोला, सौम्या यस, श्रेयस ने भी यस बोला, यश ने नो बोला। यश नो क्यों है? चलो आप बताओ, पहले जिसकी मेजोरिटी नहीं है उससे पूछते हैं। ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स पे कंसंट्रेट करना है, डिजिट्स पर नहीं, कॉन्स्टेंट्स पर नहीं। आपको सिर्फ वेरिएबल्स देखने हैं कि वेरिएबल्स की पावर है पॉजिटिव इंटीजर या नहीं। तो क्या यहाँ पर इस वाले पार्ट में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है? वेरिएबल है ओनली इसमें वाई, और वाई की पावर आप देखोगे, क्या वाई की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर नहीं है? है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल है। रूट की जो आपको वैल्यू दिख रही है वो एक नंबर के ऊपर है, डिजिट के ऊपर है, हमें डिजिट्स को नहीं देखना है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आप वेरिएबल को देखो, क्या उसकी पावर एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव सॉरी। यहाँ पर वाई की पावर कितनी है? 2 है। 2 कैसा नंबर होता है? एक होल नंबर होता है या नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। इसका आंसर यस होगा, सिंस गिवन एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल। ये भी देख लेना है कि वन वेरिएबल में है या नहीं है, जैसे इसमें वन वेरिएबल था इसमें भी वन वेरिएबल है, तो यस ये एक वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है जिसमें वाई की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है। गॉट इट। नेक्स्ट वन इज 3√t + t√2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप ही बताइए ऑनेस्टली विदाउट लुकिंग एट दी आंसर्स। तन्वी ध्यान से देखो, ठीक है आंसर करेक्ट है आपका? यस सौम्या, डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो प्लीज, बट आंसर्स चेक नहीं करने हैं। लेट मी एक्सप्लेन इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, सभी का आंसर नो है, क्यों है? बिकॉज यहाँ पर जो टी है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर होने का मीनिंग है उसकी पावर एक इंटीजर नहीं है, उसकी पावर एक फ्रैक्शन हो गई, सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। गिवन एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल का तो है, बट यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है या फिर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है,
that is 1 upon 2. So given expression is not a polynomial. Y plus 2 upon y, क्या ये एक polynomial है? One of the given conditions जो मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, एंड इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बिकॉज वाई डेनोमिनेटर में है, जब कोई वैल्यू डेनोमिनेटर में होती है उसका मीनिंग है कि उसकी पावर नेगेटिव है. यस तन्वी, वाई डेनोमिनेटर में है और डेनोमिनेटर में होने का मीनिंग है कि उसकी पावर नेगेटिव है. सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा. गुड, सभी का आंसर नो, ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है. वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है, टू अपॉन वाई का मीनिंग टू रेस टू वाई की पावर माइनस वन, ये होता है. वाई की पावर अगर माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. द लास्ट वन इज, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्वेश्चन भी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं इस वक्त ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूं. क्या ये एक पॉलिनोमियल है? सभी जवाब देंगे ओके. नाउ लेट्स मूव टू बुक का क्वेश्चन. क्या ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है? गुड, सो क्वेश्चन ध्यान से देखना, कई बार बच्चे इसको यस लिखाते हैं जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है. इसमें कितने वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं? थ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स वाई एंड टी. यस सौम्य, सो इसका आंसर नो होगा. हालांकि ये पॉलिनोमियल है बट ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर नो होगा. देयर आर थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी इन दिस गिवन एक्सप्रेशन, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अगेन ये पॉलिनोमियल है बट ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है. सो ये क्लियर है सबको कि पॉलिनोमियल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो. हो सकता है कि सर ये क्यों है पॉलिनोमियल या ये क्यों नहीं है, तो आप पूछ सकते हो मेरे से इफ इट्स नॉट क्लियर. सबको क्लियर लिख दो, क्लियर अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट. वन मार्क में आता है ये क्वेश्चन अगर आना होता है तो, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा नहीं होगा, वो सिंप्लीफिकेशन वाला होगा कि आप पहले सिंप्लीफाई करोगे उसके बाद में आपको बताना होगा वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और नॉट. गुड, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं. पाई पाई से पॉलिनोमियल का कुछ लेना देना नहीं बच्चे. सी सपोज करो मैंने ये लिखा 2π + x, तो पाई तो वेरिएबल नहीं होता है ना, तो आप उसकी तरफ देखोगे ही नहीं, आपको तो वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वेदर वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है या नहीं है, दैट्स इट. पाई का जो आप सोच रहे हो, पाई का जो रिलेशन है वो रैशनल और इरैशनल से है ना, पॉलिनोमियल से कुछ नहीं है. वेदर अगर कोई पूछता है कि क्या पाई एक पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे यस पाई एक पॉलिनोमियल है. क्यों है? आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है 8th क्लास में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं.
कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मीनिंग जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ऐसी वैल्यूज जो कांस्टेंट होती है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सपोज करो मैंने आपसे पूछा टू टू लिखा है और मैंने आपसे पूछा क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो आप मुझे बताओ क्या टू एक पॉलिनोमियल है? यस और नो? ओके, वन नो वन यस, और बाकी बच्चे भी बताओ, अनदर यस अनदर नो, टू नोस टू यस, अनदर यस तन्वी, थ्री यस नो नोस टू नोस। एक्चुअली टू इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है टू एक पॉलिनोमियल? बिकॉज टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं इसको इस तरह से। अब यहां पर देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मींस होल नंबर है जीरो। इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो टू इंटू एक्स की पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो टू ही आएगा आंसर। सो टू को आप टू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हो, और एक्स की पावर जीरो एक पॉलिनोमियल होता है। सो इन ऐसे नंबर्स को जिसमें वेरिएबल ना हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो टू अपॉन थ्री हो, चाहे वो थ्री हो, कुछ भी हो या 2.3 हो, ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। इनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके साथ में वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं होते। रूट टू भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको भी हम रूट टू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो पाई भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। पाई को अगर आपको कोई रैशनल इरेशनल पूछता है तो वो इरेशनल है, बट अगर कोई पॉलिनोमियल के टर्म्स में पूछता है तो यस दैट्स अ पॉलिनोमियल। क्लियर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल सबको क्लियर हो गया क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अभी हम जब डिग्रीज का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये आएगा, तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल ये सब क्या होते हैं। ये हालांकि 8th क्लास की चीजें हैं, बट आई अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर थोड़ा सा ऐसी रहा, उसमें शायद टीचर इतना एक्सप्लेन करके आपको नहीं पढ़ा पाए होंगे, बट इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको इन सभी चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊं धीरे धीरे करके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आप बताना। ये ट्राई अभी आप रहने दो ट्राई वाला, क्योंकि ये मैं आपको हार्ड कॉपी दूंगा और आप उसमें ही करना। सो अभी इसको छोड़ दो आप, इसके मैं आपको प्रिंट आउट दूंगा, आप उसी में करके देना। टर्म्स एंड कॉफिशियंट्स ये आपने 8th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन मैं फिर से इसको करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्लास में भी आपके कोर्स में है ये। टर्म्स एंड कॉफिशियंट्स आपको पता होंगे कि जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने पर निकलती है। जैसे पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। ध्यान रखना जो टर्म्स होती हैं वो हमेशा माइनस के साइन से या प्लस के साइन से सेपरेट होती हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ये एक पॉलिनोमियल है ना, देखो सारी पावर्स पॉजिटिव है वेरिएबल की, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, एक्स की पावर फाइव, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि टर्म्स क्या क्या हैं, तो इसमें आप टर्म्स 8th क्लास में आपने करा हुआ है, इसमें कितनी टर्म्स हैं आप जस्ट एक काउंटिंग के हिसाब से मुझे बताओ आप सभी कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। यस तन्वी, यस संस्कृति, यस यश, और बताइए स्टूडेंट्स कितने टर्म्स हैं इसमें। टर्म्स ध्यान रखना माइनस और प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, जहां भी
प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा, वहां से दूसरी टर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर थ्री टर्म्स हैं सही आंसर। पहली टर्म तो है माइनस, फाइव एक्स पहला ही एक्स रेज टू द पावर फाइव, और इसका कॉफिशियंट, कॉफिशियंट अगर पूछेंगे आपको कॉफिशियंट पता है जो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां पर एक्स रेज टू द पावर फाइव सिंगल है, उसके सामने कोई भी डिजिट नहीं लगा हुआ है, दैट मींस वहां पर वन है, वन इंटू एक्स रेज टू द पावर फाइव। तो अगर आपसे कोई इसका कॉफिशियंट पूछता है कि एक्स रेज टू द पावर फाइव का कॉफिशियंट बताइए, तो आप क्या लिखोगे, वन। सेकेंड टर्म इज वन अपॉन टू एक्स की पावर थ्री, यहां पर एक्स की पावर थ्री का कॉफिशियंट क्या है, वन अपॉन टू। टर्म तो ये है वन अपॉन टू एक्स की पावर थ्री, बट अगर आपसे पूछा जाए एक्स की पावर थ्री का कॉफिशियंट क्या है, तो आप देखोगे किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, ओनली वन अपॉन टू की, तो इसका कॉफिशियंट वन अपॉन टू। एंड लास्ट वन इज माइनस फाइव एक्स स्क्वायर टर्म है, जिसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, माइनस फाइव से, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इज माइनस फाइव। कॉफिशियंट में साइन भी इंक्लूडेड होते हैं, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपसे जिस भी वेरिएबल का कॉफिशियंट पूछा है, वेदर इट्स एक्स रेज टू द पावर फाइव, एक्स रेज टू द पावर थ्री और एक्स स्क्वायर, आपको सिर्फ ये देखना है कि उसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है। सपोज करो मैंने आपसे पूछा, अगर 2 प्लस पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 माइनस वाई एक्स क्यूब, इसमें आप मुझे एक्स क्यूब का कॉफिशियंट बताओ, एक्स क्यूब का कॉफिशियंट क्या होगा। केयरफुली देखो और एक्स क्यूब का, एक्स रेज टू द पावर थ्री का कॉफिशियंट बताओ। केयरफुली, ओके तन्वी, मुकुंद, नो, एक्स क्यूब का, संस्कृति एक बार फिर से ट्राई करो, मुकुंद आप भी ध्यान से देखो। मैंने बोला जब हम किसी चीज का कॉफिशियंट पूछते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस चीज का कॉफिशियंट पूछा है उससे किस किस की मल्टीप्लाई हो रही है। नो यश, एक्स क्यूब का कॉफिशियंट, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ये देखना है आपको, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे हो रही है वो बताओ। कॉफिशियंट का मीनिंग यहां पर यही है। तन्वी, योर आंसर इज करेक्ट, यस संस्कृति, नाउ यू गॉट इट। और बताओ यश, आप भी देखो, मुकुंद आप भी देखो, श्रेयस, श्रेयांस, श्रेयस सॉरी, आर्ना सॉरी, आर्ना नहीं, सौम्या, इट विल टेक सम टाइम, मुझे आप लोगों के नाम याद करने थोड़ा सा टाइम लगेगा। नो सौम्या, एक्स क्यूब का कॉफिशियंट बताना है, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, सिक्स तो उसके पास भी नहीं है, सिक्स तो उससे प्लस में है, देखो ऐड हो रहा है, और माइनस भी नहीं है सिक्स के आगे। यस यश, यस सौम्या, सो आपको देखना है कि मल्टीप्लाई किससे हो रही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, आप देखोगे एक्स क्यूब का है, पहले ढूंढोगे एक्स क्यूब का है, ये रहा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब वाली टर्म को पहले नोटिफाई करो आप, एक्स क्यूब वाली टर्म यहां तक है, जहां भी प्लस माइनस का साइन आ जाए वहां पर छोड़ दो, ब्रैकेट के बाहर, नॉट ब्रैकेट के अंदर। अब आप देखोगे एक्स क्यूब वाला पूछा है तो एक्स क्यूब को छोड़ दो और बाकी उसके साथ जो भी है वो लिख दो, नाइन माइनस फाइव। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पूछते तो वो होता टू प्लस फाइव, अगर आपसे कॉन्स्टेंट टर्म पूछते तो वो थी सिक्स, ठीक है। तो कॉफिशियंट आर समथिंग जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड होते हैं, उसमें साइन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अनदर वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकते हैं।
आपको बस ये देखना है कि जिसका आपको कॉफिशियंट पूछा है उसको छोड़ के बाकी जो भी उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारा आपका आंसर होगा, कॉफिशियंट होगा। क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बहुत कम आते हैं, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें ये भी एक पार्ट होगा कि जिसमें आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि अरे इसका कॉफिशियंट क्या है। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं आएगा कि बताओ इसका कॉफिशियंट क्या है, बट ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है जिसका वो एक पार्ट बनाकर दे रहे हैं जिसमें आपको खुद से कॉफिशियंट ढूंढने की जरूरत पड़ जाए। सो ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है। अब देखिए इसी से बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक अनदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट्स बताने हैं। तो ध्यान रखना आप जो पॉलिनोमियल देखोगे, वेदर इट्स अ पॉलिनोमियल और वॉट एवर, उसमें आपको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाली जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन करना है। एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट का मीनिंग यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 + x² + x। तो आप सबसे पहले इसमें देखोगे एक्स स्क्वायर जो है उसके साथ में किस किस की मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट आप क्या लिखोगे? यस संस्कृति, यस तन्वी, यस मुकुंद, नो 2 + x किसने लिखा? वो मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है। यश, नो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। देखो जब भी आपको ऐसे करना हो आप पहले टर्म्स को रिकॉग्नाइज करो। यहाँ पर टर्म्स कितनी है? एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो उसमें से एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग लिखो। अब देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा है ना। दैट मीन्स एक एक्स स्क्वायर है, मीन्स इसका कॉफिशियंट क्या होगा? +1। टर्म्स देखो जहां पर भी प्लस माइनस का साइन आ जाए वो टर्म्स वहीं पर सेपरेट हो जाती हैं। तो आपको सिर्फ वो टर्म देखनी है जिसमें आपका वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिसका कॉफिशियंट आपको बताना है। तो इसको देखोगे, इसमें देखोगे कि क्या इसकी मल्टीप्लाई किसी से हो रही है, मीन्स कोई ऐसी चीज है जो इसके साथ में बिल्कुल स्टिक्ड हो। कुछ भी हो सकता है, मतलब उन दोनों के बीच में कोई साइन ना हो, ऐसी चीज देखनी है आपको। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं दिख रही जिसके, यहाँ पर 2 अगर दिख रहा है तो 2 और x² के बीच में तो प्लस का साइन है। मैंने बोला है कि साइन नहीं होना चाहिए उनके बीच में कुछ भी, बिल्कुल वो चिपके हुए होने चाहिए, मीन्स प्रोडक्ट उनका हो रहा है। तो यहाँ पर x² के साथ अगर कुछ नहीं है तो डैट मीन्स ये सिंगल x² है। सिंगल मीन्स 1 x², तो 1 इसका कॉफिशियंट हो गया। चलो अनदर एग्जाम्पल जो इसका सेकेंड पार्ट है, 2 - x² + x³। इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या होगा? तो अगेन यस संस्कृति, आप टर्म्स को डिफाइन करो। एक ये है टर्म, एक ये है टर्म और एक ये है टर्म। तो आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, उसे सेपरेटली लिखो। अब देखो एक्स स्क्वायर को छोड़ के यहाँ पर क्या बचा? यस तन्वी, एक्स स्क्वायर को छोड़ के एक तो माइनस का साइन बचा और बाकी कुछ नहीं बचा, तो डैट मीन्स 1 बचा। जब कुछ भी नहीं हो कॉफिशियंट उसके आगे तो साइन लगाओ, जो भी है प्लस का है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का, और 1 का। पहले वाले में +1 था, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है इसलिए हमने 1 लिखा, बट इस वाले में नेगेटिव साइन है तो हमें -1 लिखना होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है? -1। क्लियर है? किसी को अभी भी डाउट है पूछ लो कि नहीं समझ आया हमें कैसे करना है, प्लीज टेल मी। नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क मी विदाउट हेजिटेशन। अभी क्लियर कर लोगे तो बेटर है, बाद में नहीं। ठीक है, नो वन इज रिप्लाइंग। आई एम अज्यूमिंग कि सबको समझ आ गया, कंसीडरिंग सबको समझ आ गया। डाउट है यश? ठीक है बताओ क्या डाउट है। टर्म्स तो पता है तुम्हें, टर्म्स कैसे देखते हैं हम? देखो पहले आप लिखोगे
पॉलिनोमियल, फिर उसमें से आप लिखोगे सेपरेटली टर्म्स को, एक तो इसकी टर्म है टू, एक है माइनस एक्स स्क्वायर और एक है प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। हमें एक्स स्क्वायर का बताना है, तो एक्स स्क्वायर पे देखो क्या एक्स स्क्वायर के साथ में जो बिल्कुल एक स्टिक्ड वैल्यू है जो चिपकी हुई है उसके साथ में वैल्यू, वो देखनी है। तो यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो नेगेटिव साइन उसके साथ चिपका हुआ दिख रहा है, ठीक है। और फिर बाद में है ओनली एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव सिंगल तो नहीं हो सकता अपना अकेला, मींस उसके साथ में वन तो होगा। फाइन, तो इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो गया, -1। जब कोई वैल्यू ना हो तो आप साइन लगाओ और साथ में वन लिख दो। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब का अगर कोफिशियंट पूछते तो एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या होता, प्लस का, और इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो वन, +1। एक्स क्यूब का कॉफिशियंट +1, माइनस एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट -1। समझ आ गया। अभी एक और पार्ट करते हैं, उससे शायद और क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। यहां पर पहले टर्म्स लिखोगे, पहली टर्म है पाई अपॉन टू, सॉरी पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है ना, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, इनको अलग लिखा, पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर अलग लिखा और एक्स अलग लिखा, हमें इसके कॉफिशियंट को बता रहा है। तो इसमें से बस एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी जो भी वैल्यू है उसे अलग लिख लो, तो ये इसका कॉफिशियंट हो गया, दैट्स इट। एक्स का कॉफिशियंट पूछते तो वन होता क्योंकि उसके साथ कुछ भी नहीं है, यस पाई अपॉन टू, ठीक है। तो आपको सिर्फ जिसका कॉफिशियंट बताना है उस वेरिएबल को छोड़ के उसके साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई हो रही है उसे लिख दोगे, वेदर इट्स साइन -1 -2 और एनी वेरिएबल और एनी अदर कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें भी और क्लियर हो जाएगा। √2x-1, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जिसमें वो कॉफिशियंट वो वेरिएबल हो ही नहीं, तो सिंपल उसका कॉफिशियंट जीरो होगा, यस, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होके वो जीरो हो गया होगा। इसमें एक्स स्क्वायर होगा शायद कहीं पर, बट वो हमें नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो 0 × x² होगा, जिससे कि उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, जीरो। तो जब भी वो वेरिएबल ही इन्वॉल्व ना हो जिसके बारे में उन्होंने पूछा है, एक्स स्क्वायर के बारे में पूछा है बट इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कॉफिशियंट हमेशा जीरो होगा कि वो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका कॉफिशियंट हो गया जीरो, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। अब आप क्या काम करोगे, एज अ होमवर्क, जो आपने आज क्वेश्चंस ये करे हैं सेकंड एक्सरसाइज के जितने भी, उनको एक बार फिर से रजिस्टर पर ध्यान से ठीक से खुद से करोगे, जो नहीं होते हैं या जिनमें आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है उसे मार्क करोगे, एंड आप मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अनम्यूट रखूंगा तो आप तब पूछ सकते हो, बट क्लास स्टार्ट होते ही, इन द मिड ऑफ क्लास नहीं, या तो क्लास के बाद में बताऊंगा मैं या क्लास के स्टार्टिंग में, बीच में नहीं, आप कभी भी डाउट्स पूछोगे, बीच में आप जो रनिंग टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड डाउट्स पूछोगे, अदरवाइज सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। सो आपका सिर्फ यही होमवर्क है आज के लिए कि आप ये दो क्वेश्चंस अगेन रजिस्टर पर विद स्टेटमेंट विद एक्सप्लेनेशन करोगे, और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसको मार्क कर लोगे या मुझे तुरंत व्हाट्सएप कर दोगे कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आई, सो डेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसको पहले क्लियर करूं, बिकॉज ये क्लियर नहीं होंगे तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें रिपीट होंगी और मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि इसमें ये क्या है, कॉफिशियंट क्या है, पॉलिनोमियल कौन सा है, एंड ऐसी चीजें हैं। अनदर थिंग कि मैं आपको इसका होमवर्क भी दूंगा प्रिंटेड फॉर्म में विद इन अ डे और टू, जो आपको इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्लियर नहीं होगा तो आप होमवर्क भी नहीं कर पाओगे। सो इसको पहले क्लियर करो, फर्स्ट एक्सरसाइज जब हो जाएगी तब मैं आपको होमवर्क दूंगा इसका, आप इंस्टीट्यूट से कलेक्ट कर लेना, मैं आपको टाइमिंग्स और डे बता दूंगा। सो
इसको करना, और नेक्स्ट क्लास आपकी वेडनेसडे को ही होगी, वही 5 o'clock। थोड़ा सा ऑनलाइन में आई नो कि थोड़ा सा आपके लिए ऑड होता है एंड इतना इंट्रेक्शन नहीं हो पाता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दी बेसिक्स एंड क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम चैप्टर्स फिर से करेंगे जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, नॉट इतना जल्दी नहीं कि तुरंत ही खुलते ही हम करेंगे, एज अ रिविजन करेंगे। सो ऑनलाइन में आप जितना समझ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उतना समझने की कोशिश करो। आई एम श्योर आप समझ सकते हो, बिकॉज यूट्यूब से आप बहुत सारी चीजें देखकर सीखते हो, तो वो वीडियो से ही सीखते हो, तो ये भी एक तरह से समझ लो DIY की एक वीडियो है या फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, तो जितना समझ सकते हो उतना समझो, जो नहीं आएगा उसको जब हम रिवीजन करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। आई होप कि जल्दी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जिसमें इंस्टीट्यूट खोलने की परमिशन मिल जाए, ऐसा होगा जल्दी। तो तब तक थोड़े दिन ये हम ऑनलाइन में समझते हैं जितना ज्यादा ज्यादा समझ सकते हैं, फिर ऑब्वियसली कंटिन्यू तो क्लासेस ऑफलाइन ही होंगी बाद में। तो होमवर्क अपना ध्यान रखना करना, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ अपडेट होगा तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, प्लीज देखते रहना। ग्रुप के मैसेजेस म्यूट करके मत रखना, ज्यादा मैसेजेस पर नहीं डालते हैं, एक दो दिन में एक आध आता है तो उसको जरूर पढ़ दिया करो। ठीक है, सो बाय फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस इवनिंग। बाय सर, गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग बेटा। बाय तन्वी, बाय संस्कृति।